कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं मार्च, ठीक है। चलो पहले तो इसके एक्सप्रेशन देखिए, तभी आप कर सकते हो। पहले इसके एक्सप्रेशन दो चार हैं, जो C इज इक्वल टू Q बाय V, तो इसलिए Q इज इक्वल टू CV। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, बताया था परसों। फैरेड। हाँ फैरेड। हाँ ठीक है ठीक है। वरुण, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। हरसिमर, परसों बताया था ना फैरेड। फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, एसआई यूनिट फैरेड, डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। यूजुअली कैपेसिटर्स आर मार्क्ड इन माइक्रो फैरेड और पीको फैरेड, बिकॉज आई टोल्ड यू वन फैरेड इज क्वाइट अ बिग यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। हम इसको इवन अल्मीरा में भी नहीं रख सकते। हाँ जी, हाँ इवन हम जो वन फैरेड का कैपेसिटर है, वी कांट कीप इन अल्मीरा बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एरिया टू बी कैप्ट। तो इसलिए यूजुअली जो कैपेसिटर्स हैं वो माइक्रो फैरेड या पीको फैरेड में एक्सप्रेस होते हैं। वन माइक्रो फैरेड इज हाउ मेनी फैरेड, एंड वन पीको फैरेड इज 10^-12। Sometimes it's also written 1 µF. So micro-microfarad is also picofarad. Micro-micro वही 10^-6 और -6^12 हो गया, ठीक है। So micro-microfarad is also picofarad. पता लग गया ना, ये micro का symbol है, ये pico का symbol, ठीक है। और माइक्रो माइक्रो इज ऑल्सो पीको। तो एक तो C इज इक्वल टू Q बाय V है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कौन सा होता है? फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें कंडक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, टू पैरेलल प्लेट्स इक्वल एंड ऑपोजिट ईच चार्ज, आउटर प्लेट इज अर्थ, ठीक है। Distance between the plates is d, area of each plate is a. Then capacitance of parallel plate capacitor is epsilon naught a by d. Capacitance of a parallel plate capacitor is epsilon naught a by d. Epsilon naught a area of plate, d distance between the plates. ये एक parallel plate capacitor है ना? Principle of capacitor याद है किसी को? कौन बताएगा? Why we have two conductors and why the outer conductor is earth? Yes. Who will tell me the principle of a capacitor? Capacitor is a device that can store a large amount of charge in a small space. For example, two conductors separated by some distance and some insulating material in between, most commonly dielectric. Like उसमें electro कई 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 बार जो है electrolytic capacitor भी होते हैं हमारे पास, paper dielectric. पेपर इज अ डायलेक्ट्रिक, तो वो कैपेसिटर्स भी होते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, माइका कैपेसिटर्स। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक यूज, डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ कंडक्टर यूज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। तो जैसे फैन के अंदर भी कैपेसिटर आपने देखा भी होगा लगा हुआ, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर्स होते हैं जो चार्ज को स्टोर करते हैं। हाँ जी, चार्ज स्टोर होगा तो, अगर नहीं तो मोमेंटरी आपको चार्ज गैदर करके उसको रिलीज करना पड़ेगा, उसको कहीं पे स्टोर होगा तो आप उसको सप्लाई करते रहोगे, कोई चीज जो है उससे इजीली ऑपरेट हो सकती है ना। तो चार्ज तो स्टोर करना ही पड़ता है, जैसे बैटरी में हम जो है आपकी हम उसको चार्ज करके क्या करते हैं, आगे सप्लाई करने के लिए उसको स्टोर ही कर लेते हैं ना उसमें एनर्जी, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये याद रखिए, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। एंड एनर्जी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर ये तो मैं कितने दिनों से याद करवा रही हूँ, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, दीज आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर सिंपली। अब अर्थ इज ऑल्सो अ कैपेसिटर, अर्थ इज an isolated conductor, so it's also having capacitance. Earth is an isolated conductor,
आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो मुझे वैल्यू बताओगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10^9, तो ये 1/9 × 10^9 हो गया, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में करके ये आ जाती है अर्थ की कैपेसिटेंस की वैल्यू, नोट कर लिए कर लो, ये 711 माइक्रो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, हाँ जी, तो ये अर्थ की कैपेसिटेंस है, 711 माइक्रो फैरेड इज द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। What is the capacitance of a spherical capacitor? जिसमें conductors are in the shape of hollow sphere, again outer sphere is earth. Outer surface of inner sphere and inner surface of outer sphere are equal and opposite each other. ठीक है, तो ये अगर A है, ये अगर B है, तो do you remember the formula for capacitance of spherical capacitor? What is the capacitance? 4 pi epsilon naught upon inner radius minus outer radius. 4 pi epsilon naught AB over B minus inner radius minus outer. 4 pi epsilon naught AB over B minus A. A and B are radii of hollow sphere. So this is the capacitance of a spherical capacitor. तो जब हमारे पैरेलल थे प्लेट्स, उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जब कंडक्टर्स आर स्फेरिकल, देन दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। एंड व्हेन द कंडक्टर आर सिलेंड्रिकल, देन दैट कैपेसिटर इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। मैं ये कह रही हूँ, व्हेन देयर आर टू कंडक्टर्स इन द शेप ऑफ पैरेलल प्लेट्स, देन द कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे स्फेरिकल शेल्स की फॉर्म में है, तो ये स्फेरिकल प्लेट, तो ये उसकी कैपेसिटी है। और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, व्हेन द कंडक्टर्स आर इन द शेप ऑफ सिलेंडर, अगेन आउटर कंडक्टर इज अर्थ। इसकी कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला याद है किसी को? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर? यस, व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर? गितेश, डू यू रिमेम्बर? गितेश, पता है आपको? मैम नो मैम। याद है किसी को? शिवम, लॉग आएगा ना उसमें, लॉग वाला फॉर्मूला आपका, ठीक है, 4 pi epsilon naught 2.303 लॉग बी बाय ए। लॉग टेबल से, लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग लेके, हाँ पेपर में लॉग टेबल मिल जाता है, देखना आना चाहिए लॉग टेबल रीड कैसे करना, लॉग लेना आना चाहिए। यहाँ 2 का आ जाता है ना, एक तो कैंसल आउट हो जाता है, 2 आ जाता है। अब हम आते हैं कि शेयरिंग ऑफ चार्जेस, शेयरिंग ऑफ चार्जेस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, शेयरिंग ऑफ चार्जेस व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड।
वो चार्ज शेयर करते हैं. सपोज वी कनेक्ट टू कैपेसिटर्स टुगेदर विद अ कंडक्टिंग वायर, देन चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम वन टू अनदर टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम द सेम. सो दे विल एक्वायर अ कॉमन पोटेंशियल. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन पोटेंशियल, ये नोट कर लो. सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू ओवर सी वन प्लस कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट. वेन द कैपेसिटर्स शेयर देयर चार्जेस देन दे एक्वायर कॉमन पोटेंशियल. और लॉस इन एनर्जी, एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस बाय दिस फैक्टर हाफ सी वन प्लस सी टू बाय दिस फैक्टर एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस. ये जो लॉस होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का, ये पूछा जाता है कॉमनली कि किस फॉर्म में लॉस होता है. अपियर इट अपियर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस. हाँ, वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर. तो क्योंकि कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, ये भी पॉजिटिव है, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव होता है. सो डिफरेंस इज पॉजिटिव, दैट मींस इनिशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी. दिस शोज दैट एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, बट इन व्हाट फॉर्म इट इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. जब हम दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं कंडक्टिंग वायर से, तो चार्जेस तब तक फ्लो करते हैं जब तक वो चार्जेस शेयर कॉमन पोटेंशियल है. ये कॉमन पोटेंशियल है और इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस है. क्यों कनेक्ट करते हैं कॉमन पोटेंशियल? अगर कनेक्ट कर दें, सपोज कर दें, तो ये तो एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम कैपेसिटर्स को वायर्स के साथ तो कनेक्ट करते ही हैं, ऐसे ही रेजिस्टेंसेस को भी करते ही हैं. अकेले एक कैपेसिटर थोड़ी होगा, है ना, तो उनकी एनर्जी लॉस होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा. तो कई एप्लीकेशन में यूज होता होगा ये. अच्छा, ये तो पता है ना सीरीज और पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे सॉल्व करते हैं. पैरेलल में सिंपली ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस से उल्टा होता है, और सीरीज में वन ओवर करके करते हैं. हाँ, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का सेम है, कैपेसिटेंस का रिवर्स. अब है When a conducting slab is placed between the plates of a capacitor, what happens to capacitance of a parallel plate capacitor? बताओ क्या होगा. ये हमारे capacitor था, plus q negative charges थे इस पे. A was the area of each plate, capacitance इसकी थी original. Epsilon naught A by D. Now we have kept a conducting slab here of thickness T. What will happen? क्या जीरो? Capacitance zero होगी? अरे capacitance increase होगी. Whether we increase conducting slab between the plates or the electric slab, capacitance is going to increase in both the cases. Capacitance increase हो जाएगी और उसका formula क्या होगा? पहले ये था ना. अब हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी. तो ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई है पहले से. कैपेसिटेंस विल इंक्रीज इन दिस केस. और अगर हम पूरा स्पेस फिल कर देते कंडक्टर के साथ, तो इनफाइनाइट हो जाती. हाँ, नीचे जीरो हो जाता, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस हो. ये आपको इस बार के पेपर में था, इस बार के पेपर में. इनफाइनाइट अगर ये कैपेसिटर कंडक्टिंग स्लैब पूरी स्पेस को फिल कर देती, तो T इक्वल टू डी हो जाता. यहाँ पुट करते तो C आपका दिस डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट हो जाता. ये एक स्पेशल केस आई मीन. अदरवाइज मेन तो ये है कि कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट होगा, वो इंक्रीज होगा. और अगर हम डायलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे देन व्हाट विल हैपन? हाँ जी मनकीरत, डायलेक्ट्रिक स्लैब का क्या इफेक्ट होगा? व्हेन डायलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट बिटवीन द प्लेट्स व्हाट विल बी द इफेक्ट?
on capacitance, dielectric slab. Mankirat, what will be the effect on capacitance when a dielectric is placed between the plates? Mankirat, Aditya, Gitesh, मैम इंक्रीज करेगी. हाँ, दोनों केसेस में इंक्रीज करेगी. फॉर्मूला क्या होगा इन दिस केस? देखो, आपको बताया था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थे, पोलराइजेशन में समझाया था ना. बट ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर फील्ड जीरो नहीं होता, इसके अंदर फील्ड कम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. याद है पोलराइजेशन में करवाया था, इसके अंदर फील्ड होता है रिड्यूस्ड. तो यहाँ पे अब कैपेसिटेंस फिर से डिक्रीज इंक्रीज ही होगी, पर अब फॉर्मूला है डी माइनस टी, तो ठाई एक और आ जाएगा फैक्टर प्लस टी बाई टी, तो ये उसका फॉर्मूला. अगेन कैपेसिटेंस विल इंक्रीज. के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. आपको पोलराइजेशन और डाइलेक्ट्रिक नहीं चाहिए थी? ये कंडक्टर और एक डायलैक्ट्रिक में क्या डिफरेंस होता है जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं? कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, पर डायलैक्ट्रिक के अंदर रिड्यूस होता है, जिसको रिड्यूस वैल्यू फील करते हैं. तो उसी के करके हमारी एक और टर्म यहाँ पे आती है. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, इससे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज होता है स्पेशल केस का, इफ डाइलेक्ट्रिक फिल्स एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स. अगर उसकी स्लैब नहीं पूरा डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहा है, जो नॉर्मली सिचुएशन होती है, इफ डाइलेक्ट्रिक फिल्स एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, इफ द डाइलेक्ट्रिक फिल्स एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, तो क्या होगा? फॉर t इक्वल टू d हियर, तो कैपेसिटेंस आपकी k टाइम्स होगी. Capacitance will become k time. ये formula ज़्यादा use करते हैं numerical की, कि ज़्यादातर पूरा ही dielectric field होता है, तो वो k times हो जाती है capacitance. होनी increase ही है, पर यहाँ पे सीधा ही आ जाता है k times हो जाएगी. Dielectric constant जितना भी रहा उसका k time कर दो capacitance. A is area of plates. A is area of each plate. K dielectric constant. के डायलेक्ट्रिक जो इंट्रोड्यूस किया उसका कांस्टेंट, ई नॉट बाय ई होता है ना इसका फॉर्मूला. वैल्यू देखो डिफरेंट है, एयर के लिए 1 होता है, माइका के लिए 6 होता है, बाकी गिवन होगा क्वेश्चन में. क्यों नहीं आते? क्योंकि दुनिया में उसके पार भी बहुत कुछ है ना, ये तो अभी इंट्रोडक्टरी है ना. वो इंट्रोडक्टरी क्यों डाले में? वो तो ये देखेंगे ना बच्चे ने कितनी अच्छी तरह से स्टडी की है ना. चलो एक न्यूमेरिकल करवाती हूँ इस पे आपको. कैपेसिटेंस के सारे फॉर्मूले हो गए. A slab of dielectric constant K, लिखे question. A slab of dielectric constant K has same area A as the plates. A slab of dielectric constant K has same area A as the plates of a parallel plate capacitor. Same area A as the plates of a parallel plate capacitor and has a thickness T equal to 3/4D, has this much thickness, has a thickness 3/4D where D is separation of plates. वो बताइए हमें. When the slab is inserted between the plates, when the slab is inserted between the plates,
the capacity increases by a factor of dash. Capacity increases by a factor of dash. क्या आएगा, कितने फैक्टर से कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब न्यू कैपेसिटेंस क्या होगी, ये है ना फॉर्मूला आपका। तो इसमें पुट करो t इक्वल टू 3 dy/4, ठीक है, d माइनस 3 dy/4 प्लस 3 dy/4 k ऐसे ही रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में k ही लिखा है, बस इसको सॉल्व करो, 4 minus 3 हो गया dy/4, c नॉट का पुट कर देते हैं क्योंकि एरिया प्लेट दिया, एरिया की टर्म्स में बात करनी पड़ेगी, तो c is epsilon नॉट a over d होता है ना, c क्या होता है, epsilon नॉट a by d, c को ये लिख लिया, हाँ c नॉट epsilon नॉट a by d लिख लिया उसको, ये यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए एम, क्योंकि अगर हम डी कॉमन लेके करते हैं ना वो अलग फॉर्मूला चेंज हो जाता है, पहला क्या लिखा था मैंने, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी लिखा था कि सी नॉट ओवर लिखा था, ये इसको करेक्ट कर लो, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर आएगा, हाँ वो हम तब करेंगे अगर डी को कॉमन ले लेंगे तब सी नॉट बन जाए, यहाँ पे सी नॉट ओवर डी माइनस टी लिखा ना हमने, पहला कहाँ गया कंडक्टिंग, आइए आइए ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी माइनस टी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए क्या है, हाँ अब ये एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं डी, यहाँ अब यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, ये 1/4 डी बाय फोर ही कॉमन ले लो, डी बाय फोर ही कॉमन ले लो, प्लस 3/k हो गया है ना, तो एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी को अब आप लिख सकते हो, हाँ सी नॉट अब लिख सकते हो, 4 ऊपर चला गया, 4c0 k + 3/k, तो आपसे रेशियो पूछी हुई है, तो ऑप्शंस में ये वाला आंसर है, ये आपका आंसर आ गया, रेशियो पूछी है कि इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, मतलब रेशियो कितनी है डिवाइडेड, मतलब न्यू कैपेसिटी डिवाइडेड बाय प्रीवियस कैपेसिटी, सी ओवर सी नॉट कर दिया ना, सी निकाल दिया ना हमने, इतना आ गया, सी नॉट इधर ले आए, तो ये आपका आंसर ऑप्शन में, इसमें सी नहीं है, सी नॉट नहीं है, तो ये आपका आ गया 4k/k+, चलो अगला करो सॉल्व, ये तो पुट्टी करनी है ना लीज, और तो कुछ नहीं है, चलो नेक्स्ट A parallel plate capacitor with air between the plates. A parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 pF. Has a capacitance of 8 pF. कैसे लिखेंगे इसको? ये the separation between the plates
The separation between the plates is now reduced to half. Separation between the plates is now reduced to half, and space between them is filled with a medium. Space between them is filled with a medium of dielectric constant 5. एक तो डिस्टेंस न्यू डिस्टेंस रिड्यूस टू हाफ है एंड स्पेस इज फिल्ड विद द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ कांस्टेंट 5. द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन द सेकंड केस इज, अब ये आप निकालो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द सेकंड केस. जब ये नहीं नहीं उसको आप आंसर, ये देखो ये ऑप्शन है. मैम 80 आंसर पीको में ही दिया हुआ है ना. हाँ जी मैम 80. हाँ चलो चेक करते हैं, ये सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे अभी. चलिए डन. कितना आंसर आया करूं सॉल्व? हाँ न्यू कैपेसिटेंस निकालनी है जब डिस्टेंस हाफ कर दिया डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दी. तुम्हारा देखो जब डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम और आपकी के सी नॉट क्या थी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. ठीक है अब के कितना 5 और डी की जगह डी बाय 2 कर दिया. अब ये कितना है आपका 8. ठीक है और ये बाय 2 होगा, 8 बाय 2 है ना, 2 ऊपर आएगा 80 माइक्रो. अरे इतना सा आसान है क्या करोगे? ये अब बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल था है ना. चलो एक कॉम्बिनेशन पे करते हैं. वही आपको बताया था वो नहीं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब कैलकुलेट क्या करना है. फिगर शोज 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू 6 वोल्ट पावर सप्लाई चार्ज ऑन 2 माइक्रो फैरेड कैपेसिटर. 2 माइक्रो फैरेड पे कितना चार्ज है? पहले देखो हाँ टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे. ठीक है और क्यू इज इक्वल टू सी वी से टोटल चार्ज निकाल लेंगे. पहले टोटल कैपेसिटेंस निकाल लेंगे तो क्यू इज इक्वल टू सी वी से टोटल चार्ज निकाल लेंगे. अब ये चार्ज यहाँ से जाएगा कैपेसिटर में करंट की जगह चार्ज होगा. ये चार्ज जाएगा दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इधर क्यू है इधर क्यू वन इधर क्यू टू. तो क्यू वन निकालना और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है वहां पोटेंशियल सेम कर देंगे क्यू वन आ जाएगा. चलो पहले आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो करो. हाँ वैसे तो सीधा ही आपका है सीधा ही. ये देखो जो पोटेंशियल इधर है और वो बैटरी के इधर है ना. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? अगर सी क्यू बाय वी है तो वी क्या है? क्यू बाय सी.
तो व्हाट विल बी वी वन, मतलब ये जो वी है इधर क्या होगा, क्यू वन बाय सी वन। इस ब्रांच में पोटेंशियल कितना है, क्यू वन बाय सी वन, और इस ब्रांच में कितना है, क्यू टू बाय सी टू। पोटेंशियल सेम है पैरेलल में, तो क्यू वन बाय सी वन इज क्यू टू बाय सी टू। क्यू वन निकालना है आपका, सी वन उधर ले जाओ, क्यू टू सी वन बाय सी टू। अब क्यू टू कितना है, वो कौन सा बताया हमें, वो भी नहीं पता ना हमें, तो निकालना ही पड़ेगा, अकेले पैरेलल में करके काम नहीं चलेगा। हाँ एक सेकेंड, आप ये कर सकते हैं ना, इक्वल टू सिक्स यहां से आ जाएंगे, तो यहां से बस ठीक है आपका, ये पहली इक्वेशन ही यूज होगी, ये भी चाहे ना लिखो। तो Q1 आ गया आपका 6C1, C1 कितना है 2 माइक्रो फैराड, 12 माइक्रो कूलम्ब, ये आपका चार्ज, तो चार्ज हो गया आपका 12 माइक्रो कूलम्ब। आपको उसकी भी जरूरत नहीं है कि आप पहले टोटल कैपेसिटेंस निकालो। यस आंसर है यही। एक मिनट आपका ये पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस पूरा का पूरा सिक्स नहीं है, कुछ पोटेंशियल ये भी शेयर कर रहे हैं, तो वो निकाल लेते हैं कितना पोटेंशियल है इसका। उसके लिए क्यू चाहिए, निकालनी पड़ेगी कैपेसिटी, तो ये वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ कितना आ रहा है आपका, चलो कैपेसिटेंस निकालो पहले, वो दोनों टू प्लस थ्री हो गया फाइव बाय सिक्स आ जाएगी है ना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई, 1 × 5/1 + 5 सीरीज में 1/1 किया, 5/6 आ गया। ये समझ में आया पहले हरसिमर, देखो हाँ नहीं नहीं, दिस इंटू दिस ओवर दिस प्लस टू, ये उल्टा करके 5/6 आ गया। ठीक है अब टोटल चार्ज कितना आया, Q इज इक्वल टू सी डैश बी, 5/6 माइक्रो ही रहने दो, चलो वोल्ट है 6, 5 माइक्रो कूलम्ब आपका टोटल चार्ज आ गया। अब आप इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हो, V इज इक्वल टू Q बाय C, तो ये 5 माइक्रो ओवर 1 माइक्रो, वही 5 वोल्ट आ गया, तो 6 में से 5 वोल्ट का इधर ही है, इनके अक्रॉस कितना है, सिर्फ 1 वोल्ट, तो ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी ये 1 वोल्ट, तो आपका आंसर है 2 माइक्रो कूलम्ब। हाँ अब ठीक है, बी ऑप्शन है 2 माइक्रो कूलम्ब। अब ये बताओ इसमें से क्या समझ में नहीं आया, ऑप्शन 12 वाली भी थी और 2 वाली भी थी। हाँ जी चल बताओ, ठीक है समझ में आ गया, अब सारी चीज देखो। चलो अब एक घर से करके लाना, फिर इसके से मिलता जुलता थोड़ा सा हाई लेवल का, ये अब आप घर से करके ला। हाँ करा दो, आज एक्स्ट्रा क्लास में करा दूं। दोनों को ही आपने क्या करना है, रेशियो ऑफ चार्जेस ऑन सी टू एंड सी फोर निकालना। ऑप्शंस आर These are your options.